हेलो गाइस, ध्यान देते हैं। पिछला चैप्टर हमने लिया था अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। अल्कोहल, फिनॉल, इथर के बाद अभी मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरूरी बात क्या है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर आपने हैलोजन डेरिवेटिव अल्केन एंड अरीन अच्छे से किया होगा तो आपको अल्कोहल, फिनॉल, इथर बहुत अच्छे से आएगा। और अल्कोहल, फिनॉल, इथर अगर आपने अच्छे से किया होगा तो फिर आपको अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई दिक्कत जाएगी नहीं। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाले चैप्टर्स हैं, इसलिए प्रीवियस चैप्टर, ये चैप्टर को समझने के पहले आपका बहुत अच्छे से होना जरूरी है। ये चैप्टर ऑल एंट्रेंस एंड बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एंट्रेंस में इसका क्वेश्चन आता है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा लोगों को इसी के अंदर दिक्कत जाती है, तो इसलिए चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए बढ़िया से ध्यान देके देख लेना। चैप्टर शुरू कर रहा हूँ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा नाम में ही दिया है, उसी से आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम अल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं ये तो आपको मालूम है, वो किसके साथ रिएक्ट होते हैं, किसके साथ नहीं होते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन कैसा है, उनका नोमेनक्लेचर कैसा है, उनके एप्लीकेशन यूजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में लेंगे। तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फिर उनका नोमेनक्लेचर, फिर उनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद उनकी केमिकल रिएक्शंस यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, और फाइनली उनके यूजेस यानी कि एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पिछले चैप्टर का कुछ रेफरेंस लेके। अगर आपको पिछला चैप्टर याद होगा हमारा था अल्कोहल, फिनॉल, इथर। अल्कोहल मतलब आपको मालूम है ROH, R मतलब मैं मान लो कि CH3 लेता हूं। फिनॉल मतलब आपका AROH मतलब एरोमेटिक रिंग को, AROH एरोमेटिक रिंग को OH रहता है। और तीसरा वाला चैप्टर जो है गाइस आपका, तो तीसरा वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ये तो बाद में लेना, अल्कोहल आपका ROH यानी कि CH3OH, फिनॉल आपका AROH यानी कि एरोमेटिक रिंग OH, एंड इथर हमने लिया था, इथर था आपका RR या फिर AROR जो भी है, मान लो मैंने ROR ले लिया। अब इन तीनों के अंदर एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, अब तीनों के अंदर ये जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और इधर भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के बारे में जानकारी ली थी। तो कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड अल्कोहल में भी होता है, फिनॉल में भी होता है, इथर में भी होता है। अल्कोहल, फिनॉल, इथर इन तीनों के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड की जानकारी हमने पिछले चैप्टर में ले ली थी। अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के बारे में जानकारी लेनी है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड रहने वाले कंपाउंड को हम पढ़ेंगे। तो पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा भाई, कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड रहने वाले कंपाउंड, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड रहने वाले कंपाउंड को हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं गाइस। ये पहला पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड रहने वाले कंपाउंड अल्कोहल, फिनॉल, इथर को। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड रहने वाले कंपाउंड अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, तो इनके बारे में जानकारी लेना है अपने को। ये शुरू करने के पहले हम अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो गाइस अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं ये भी हम इमीडिएटली जान लेते हैं। तो सबसे पहला चीज देखो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे यहां लिख देता हूं आपका अल्डिहाइड, फिर आपका इधर आता है कीटोन, फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं ध्यान से देखो, अल्डिहाइड जो है ये आपका दो टाइप में क्लासिफाई होता है, एक आपका एलिफैटिक
एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरा है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्या है डिटेल में देखेंगे। कीटोन जो है भाई आपका, ये भी दो टाइप में क्लासिफाई होता है, एलिफेटिक कीटोन एंड एरोमेटिक कीटोन। और एलिफेटिक कीटोन की अगर बात करेंगे तो एलिफेटिक कीटोन भी है दो टाइप में क्लासिफाई होता है। कौन से वाले दो टाइप? तो एलिफेटिक कीटोन के अंदर आपका पहला टाइप आता है सिंपल, या फिर इसी को कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन, और इधर आता है आपका मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका भाई दो टाइप में क्लासिफाई होता है, अगेन आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दूसरा आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो है वो फिर आपका मोनो, डाय और ट्राई में क्लासिफाई होता है। किस तरीके से होता है देख लेंगे, आपने क्लासिफिकेशन लिख लेना है क्योंकि बुक के अंदर इसी क्लासिफिकेशन को उन्होंने दो तीन पेज के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने एक चार्ट बना लिया, सिंपल याद रहेगा अपने को। अब एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। इनके क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहली चीज है एल्डिहाइड। इनका कहना कि एल्डिहाइड जो है वो क्लासिफाई होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड। भाई एलिफेटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल लिख लूंगा, आपने वहां वहां लिख देना। यहाँ थोड़ी जगह कम होने की वजह से हर एक एग्जांपल को मैं जैसे जैसे एडजस्ट कर सकता हूँ वैसा लिखता हूँ, जहां जहां आपको जगह मिल जाए वहां वहां आप लिख लेना। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है ये देख लो कैसा है। इनका कहना है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड मतलब ऐसा कि जिसके अंदर, पहले तो एक बात बता दूं अगर आपको याद नहीं होगा, हालांकि मालूम ही होगा आपको, एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप, CHO जिसमें C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या होता है H, ये CHO। कीटोन जो है कीटोन आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो कीटोन आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका C डबल बॉन्ड O OH होता है, यानी कि COOH होता है। एक बार फिर से, एल्डिहाइड जो है आपका CHO ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड OH। कीटोन की बात करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड, दो अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, अराइल वो तो डिस्कस करेंगे। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपका C डबल बॉन्ड O OH होता है। यहाँ पर भी एक C की वैलेंसी खाली, क्योंकि C चार बॉन्ड बनाता है ना, दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, तो एक वैलेंसी खाली है। इधर C दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया तो दो वैलेंसी खाली है, और इधर C डबल बॉन्ड O और H है, एक डबल बॉन्ड इधर मतलब दो बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर बना लिया तो चौथा बॉन्ड आपका खाली है। ये जो वैलेंसी खाली है यहाँ पे R ग्रुप आ सकते हैं या फिर AR ग्रुप आ सकते हैं। R का मतलब अल्काइल ग्रुप और AR का मतलब अराइल ग्रुप आ सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे एल्डिहाइड के क्लासिफिकेशन की, तो एल्डिहाइड जो दो टाइप में क्लासिफाई होता है, एक है आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरा है एरोमेटिक एल्डिहाइड। भाई ऐसा एल्डिहाइड, ध्यान से देखना, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप कार्बन को लगा है, लेकिन कार्बन ऐसा होना चाहिए कि जो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब सर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का क्या मतलब, पिछले चैप्टर के अंदर बताया था, ऐसा कार्बन कि जो क्या बनाए सिंगल बॉन्ड, ऐसा कार्बन जो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये देखो, ये कार्बन तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो ये जो कार्बन है तीन बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड रहेगी हाइड्रोजन के साथ, और इधर भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये जो कार्बन है चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे एल्डिहाइड को हम एलिफेटिक एल्डिहाइड कहेंगे। कौन सा कहेंगे गाइस? एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो पहला पॉइंट क्या मिला, एलिफेटिक एल्डिहाइड मतलब ऐसे एल्डिहाइड कि जिसमें CHO ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को लगे रहते। दूसरा है एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे तो देख लो, इधर इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता या इधर ही लिख देता हूं। अब नाम से समझ गए होंगे, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एरोमेटिक रिंग को CHO ग्रुप लगा है, ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, इसको अगर CHO ग्रुप लगता है तो इसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कह देंगे। तो गाइस ये दो एग्जांपल लिख लेना है आपने। दूसरी बात क्या है, कीटोन का क्लासिफिकेशन। कीटोन जो है वो भी एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर क्लासिफाई होता है, लेकिन एलिफेटिक कीटोन के अंदर आपका सिंपल या फिर सिमेट्रिकल कीटोन आता है, या फिर उसी को दूसरा वाला जो है आपका मिक्स या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन आता है। अब पहले एलिफेटिक कीटोन क्या है ये बता देता हूँ, अब देखना ध्यान से। ये आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये R इधर दो बॉन्ड ऐसे खाली।
अगर मान लो एलिफेटिक कीटोन के अंदर अगर दोनों तरफ आर ग्रुप है, एलिफेटिक कीटोन के अंदर क्या होता है, सी डबल बॉन्डों को दोनों तरफ आर यानी कि अल्काइल ग्रुप रहेंगे, एक भी अराइल ग्रुप रहेगा नहीं। तो कहना भाई ऐसा कीटोन कि जिसके अंदर दोनों तरफ क्या है, दो अल्काइल ग्रुप है, ऐसे कीटोन को एलिफेटिक कीटोन कहेंगे। और अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपके सेम है, अगर गाइस ये आपके दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है, उसे कहना सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर आपके दोनों अल्काइल ग्रुप भाई डिफरेंट अगर है, एक आर है तो दूसरा आर डैश है, दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो उसे मिक्स्ड या फिर क्या कहना, अनसिमेट्रिकल कीटोन कह देना। तो गाइस याद रखेंगे इसको, कीटोन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया हमने, हमने कहा कीटोन कितने टाइप में क्लासिफाई होता है, दो टाइप में क्लासिफाई होता है, पहला है आपका एलिफेटिक कीटोन और दूसरा है आपका एरोमेटिक कीटोन। एलिफेटिक कीटोन मतलब ऐसा कीटोन कि जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो दो अल्काइल ग्रुप को अटैच रहेगा, अगर वो दोनों अल्काइल ग्रुप को अटैच है तो ऐसे कीटोन को एलिफेटिक कीटोन कहेंगे। एलिफेटिक कीटोन दो टाइप में क्लासिफाई होता है, एक सिंपल और सिमेट्रिकल, या फिर दूसरा क्या है आपका मिक्स या फिर अनसिमेट्रिकल, जिसके अंदर अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो ऐसे एलिफेटिक कीटोन को हम कहेंगे सिंपल या सिमेट्रिकल, और दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ऐसे को कहेंगे मिक्स या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये हो गया कीटोन का, एलिफेटिक कीटोन का क्लासिफिकेशन। अब एरोमेटिक कीटोन तो आप समझ ही गए होंगे, एरोमेटिक कीटोन के अंदर क्या होता है, एरोमेटिक कीटोन के अंदर आपका दोनों तरफ, ये देखो आपको एरोमेटिक रिंग दिखाई दे रही, या तो दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग रहे सी डबल बॉन्डों को, या फिर किसी एक तरफ भी एरोमेटिक रिंग रही तो चलेगा। ये देखो एक तरफ ही दिखा देते हैं तो एक तरफ आर लिख देंगे, यानी कि सी एस ग्रुप ले लेते। ये देखो ऐसा कीटोन कि जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड को दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग है या फिर एक तरफ एरोमेटिक रिंग है, ऐसे कीटोन को हम एरोमेटिक कीटोन कहेंगे। गाइस उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो अल्काइल ग्रुप को अटैच है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो अल्काइल ग्रुप को यानी कि आर ग्रुप को अटैच है, ऐसे को हम कौन सा कहेंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आर ग्रुप की जगह मैं कोई ले लेता तो हूं आर मतलब सी एस ले लिया अल्काइल ग्रुप। और ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एरोमेटिक रिंग को अटैच है उसे हम क्या कहेंगे भाई, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहला चीज हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, ये जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीन टाइप में क्लासिफाई होता है, पहला मोनो, दूसरा डाय और तीसरा है ट्राय। ऐसा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला जिसके अंदर एक ही COH ग्रुप है उसे कहेंगे मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर दो COH ग्रुप है उसे कहेंगे डाय एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा जो है आपका ट्राय वाला, ये देख लो अगर आपका तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, ठीक है यार जगह थोड़ी कम पड़ रही है, अब ठीक है सीधा आप याद ही रख लो, उसका एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं। अगर मान लो तीन COH ग्रुप आ गए आपके तो ऐसे को कौन सा कहेंगे भाई, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख देता हूं चाहिए तो CH2COOH और ये आपका CH2COOH। ये देखा, ये ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है कि जिसके अंदर तीन COH ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट भी है, वो ट्विस्ट थोड़ी देर में बता रहा हूं, लेकिन इसके पहले एक बार क्लासिफिकेशन अच्छे से लर्न कर लो। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने क्या कहा कि हमारा अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीनों किस मैनर में क्लासिफाई होते हैं वो देख लो। तो हमारा अल्डिहाइड पहले क्लासिफाई होता है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड में, कीटोन क्लासिफाई होता है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोन में, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्लासिफाई होता है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में। तो तीनों के अंदर ये चीजें तो क्या कॉमन है, अल्डिहाइड भी एलिफेटिक एरोमेटिक, कीटोन भी एलिफेटिक एरोमेटिक, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एलिफेटिक एरोमेटिक है। अब उसके अंदर एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H होता है, ऐसा अल्डिहाइड जो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच रहेगा, ऐसा अल्डिहाइड कि जिसके अंदर CHO ग्रुप का जो कार्बन है, ऐसा अल्डिहाइड कि जिसके अंदर CHO ग्रुप का जो आपका कार्बन है
ये कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच है तो ऐसे एल्डिहाइड को हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड कहेंगे। और ऐसा एल्डिहाइड कि जिसमें CHO ग्रुप एरोमेटिक रिंग को लगाए, ऐसा एल्डिहाइड कि जिसमें CHO ग्रुप जो है एरोमेटिक रिंग को लगाए, ऐसे एल्डिहाइड को हम कौन सा एल्डिहाइड कहेंगे भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहेंगे। फिर उसके बाद कीटोन के बारे में बात की थी, कीटोन भी एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन के अंदर आपका क्लासिफाई होता है। एलिफेटिक कीटोन मतलब ऐसा कीटोन कि जिसके अंदर सी डबल बॉन्डो के कार्बन को दोनों कौन से ग्रुप अटैच रहेंगे, अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे। ऐसा कीटोन कि जिसके अंदर सी डबल बॉन्डो ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, पिछले चैप्टर में कहा था सी डबल बॉन्डो के कार्बन को अगर दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच है तो ऐसे कीटोन को हम एलिफेटिक कीटोन कहेंगे। और उसको सी डबल बॉन्डो को दोनों अराइल ग्रुप या फिर एटलीस्ट एक अराइल और एक अल्काइल ग्रुप है तो एक भी अराइल ग्रुप आ गया सी डबल बॉन्डो के कार्बन को तो उसे एरोमेटिक कीटोन कहना। फिर आपका जो एलिफेटिक कीटोन है वो दो टाइप में क्लासिफाई होता है। कौन से दो टाइप में क्लासिफाई होता है भाई आपका एलिफेटिक कीटोन, पहला है सिंपल या फिर सिमेट्रिकल कीटोन, पहला क्या है आपका सिंपल या फिर सिमेट्रिकल कीटोन, और दूसरा जो है मिक्स या फिर एरोमेटिक कीटोन, मिक्स या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो भाई ऐसा कीटोन, ऐसा एलिफेटिक कीटोन कि जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड हो के कार्बन को दोनों सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है, ऐसे को सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। और ऐसा एलिफेटिक कीटोन कि जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड हो के कार्बन को दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है उसे हम मिक्स या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात करेंगे इधर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड दो टाइप में अगेन क्लासिफाई हो रहा है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। गाइस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड कि जिसके अंदर COOH ग्रुप अल्काइल ग्रुप को अटैच रहेगा, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप है एरोमेटिक रिंग को अटैच रहेगा। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका तीन टाइप में क्लासिफाई होता है, एक है आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा डाई और तीसरा क्या है ट्राई। मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है तो एक COOH ग्रुप अल्काइल ग्रुप को अटैच होता है। डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है दो COOH ग्रुप जो है वो आपके रहेंगे, और आपके ट्राई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होगा तो तीन COOH ग्रुप मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। गाइस ये था क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट देखो, अब ये मैं लिख रहा हूँ एक एल्डिहाइड आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका CHO ग्रुप है यानी कि सीधा स्ट्रक्चर बना के लिख देता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ एच CHO ग्रुप। ये CHO ग्रुप हाइड्रोजन को जब लगता है तो इस वाले एल्डिहाइड को हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, नोमेनक्लेचर अभी हम लेने ही वाले फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, या फिर इसी को फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ हम इसको मिथेनल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मिथेनल, वो नोमेनक्लेचर में आएगा। अब इसके अंदर देखना भाई CHO ग्रुप जो है किसी कार्बन को लगा हुआ नहीं है, अभी कार्बन को नहीं लगा हुआ है मतलब एलिफेटिक में नहीं आएगा और एरोमेटिक में भी नहीं आएगा, तो फिर किस में आएगा तो इसको कंसिडर किया जाता है एलिफेटिक में ही, भले हाइड्रोजन को लगा है लेकिन ये एरोमेटिक रिंग ना होने की वजह से एरोमेटिक तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसको कह दो आप एलिफेटिक, ये एक्सेप्शन था पहला। इधर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर याद रखना ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और इधर भी एच है, अगेन सी ओ एच ग्रुप आपका ना अल्काइल ग्रुप को लगा है ना एरोमेटिक रिंग को लगा है, इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड, नाम अभी हम देखने वाले फॉर्मिक एसिड, तो इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसके अंदर भी देखना COOH ग्रुप भाई हाइड्रोजन को लगा है, कार्बन को लगा है क्या, नहीं लगा है। अब कार्बन को नहीं लगा तो सर ये एलिफेटिक में भी नहीं आएगा एरोमेटिक में भी नहीं आएगा ना सर, फिर किस में लेंगे इसको, तो अगेन एरोमेटिक रिंग नहीं है इसलिए एरोमेटिक में नहीं आएगा लेकिन एलिफेटिक के अंदर इसको कंसिडर करते हैं, तो इस चीज को भाई अपने को याद रखना पड़ेगा। गाइस ये था क्लासिफिकेशन और चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी इस चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन तो देख लिया, साथ ही में ये भी देख लिया कि चैप्टर में हमें आगे क्या पढ़ना है। अब इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं लेकिन अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम नोमेनक्लेचर लेंगे एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के नोमेनक्लेचर लेंगे जिसके अंदर तीनों का कॉमन नेम IUPAC नेम ये तीनों का हम देखेंगे, किस तरीके से नाम दिया जाता है बहुत जरूरी है और नोमेनक्लेचर के बगैर हम इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो गाइस अगला वीडियो रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, लेकिन उसके पहले एक चीज आपसे कहना चाहूंगा,
वो जरूर कर लेना, इस वीडियो को खत्म करने के बाद इमिजिएटली कर लेना। अब कैसा है, नया वाला टेक्स्ट बुक आया है, हमारे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, और टेक्स्ट बुक अवेलेबल न होने की वजह से दिक्कत क्या जा रही है कि आप टेक्स्ट बुक सामने रख के ऐसा पढ़ नहीं पा रहे हो। आपको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक भेज दिया था। अब जैसे मैं इस चैप्टर में अभी अगला वीडियो डालूंगा, उसके पहले आप क्या कर लेना, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दिया हुआ एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आप अपने सामने कॉपी में लिख लो। क्योंकि अभी मेरे पास भी बुक नहीं है, आपके पास भी बुक नहीं है, इसलिए मुझे अगर आपके पास बुक होता तो थोड़ा पढ़ाने में आसानी जाती थी, इसलिए बुक नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या कर लो, सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हॉरिजॉन्टल वाला टेबल अपने बुक के अंदर दिया है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, दो टेबल है उनके, जिसके अंदर दोनों के नोमेनक्लेचर है, एक में अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का है और एक में कीटोन का नोमेनक्लेचर है, नए टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूं मैं, जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास है, तो वो आपने एज इट इज अपने बुक के अंदर उतार देना है, क्योंकि उसी को मैं पढ़ूंगा, तो उसमें आपके सामने अगर रहेगा तो समझते समय कोई दिक्कत जाएगी नहीं। बस इतना कर लेना अगले वीडियो के पहले या अगले वीडियो देखने के पहले, अगला वीडियो वो करके अगर देखेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल के वीडियो में अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।